कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1. सो देयर ओल्ड रेशियो इज 4:1. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 इज एज फॉलोस. सो द बैलेंस शीट इज गिवन टू अस. कबीर एंड रेशमा का कैपिटल है एंड यू ऑल नो कैपिटल अकाउंट कहां जाता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. सो कैपिटल अकाउंट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. देन वी हैव जनरल रिजर्व. एज वी यू नो जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन ओल्ड पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ये भी कहां पे जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा. डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है पार्टनर्स में. ठीक है. देन आफ्टर जनरल रिजर्व वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने एक समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा तभी भी देखा था क्या करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं पार्टनर्स में. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में आया है. ये लायबिलिटी है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में आया है. लास्ट सम जो हमने किया था उसमें कैपिटल अकाउंट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में आया था. ठीक है. तो अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया तो हम पार्टनर्स कैपिटल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखता हुई मैं यहाँ पे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट में आया तो उसका मतलब वो लॉस होता है. और वो कहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करेंगे क्योंकि वो एसेट में आया. एसेट में कुछ भी आइटम आया तो हम डेबिट में करते हैं. और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में आया जैसे कि ये सब में आया है तो वो प्रॉफिट होता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं उसे. और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. आई होप दिस इज क्लियर. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन appear on liability side or else it can appear on asset side as well. वो कहीं तो आएगा. liability में भी आ सकता है, asset में भी आ सकता है. ये सब में वो कहां पे आया है. ये सब में वो liability side में appear कर रहा है और liability side में appear कर रहा है. तो this is accumulated profit and this we will be distributing in partners capital account credit side. और old partners में ही जाएगा क्योंकि ये पहले के business का profit accumulate करके रखा है जो हमको distribute करना है पहले के पार्टनर्स को एंड नॉट टू द न्यू पार्टनर. सो दिस वन हैव टू रिमेम्बर. ठीक है. देन क्रेडिटर्स यहां पे नॉर्मली हमें खाली सन्ड्री क्रेडिटर्स देते हैं. यहां पे दो टाइप के क्रेडिटर्स दिए हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस. तो जैसा उन्होंने बोला है क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस उसी तरीके से हम भी लिखेंगे लायबिलिटी साइड में. विल बी स्ट्रेट अवे टेकिंग दिस क्रेडिटर्स टू लायबिलिटी साइड. नॉर्मली जब सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं ना तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर फॉर गुड्स होता है. So, creditor for goods is normally called as sundry creditors. बराबर है? And creditor for expenses are nothing but outstanding expenses. So, outstanding expenses का दूसरा नाम है creditor for expenses. ठीक है? But हमको याद रखना है दोनों भी आइटम किधर जाएगा. दोनों भी आइटम लायबिलिटी साइड में ही जाने वाला है. देन कम्स गुडविल. अब डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली देखो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आते हैं. सुवर्णा न्यू पार्टनर है. सो न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल. लेकिन ये सम में अगर आप देखोगे दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम वेर इन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग एनी गुडविल. देखो नया पार्टनर सुवर्णा है. क्या बोला है. देखो सुवर्णा टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर ₹45,000. तो ये शेयर लेके आएगी मतलब ये कैपिटल लेके आएगी 45,000 का. तो सुवर्णा कैपिटल लेके आ रही है 45,000 का. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. गुडविल को वैल्यू करने बोला है लेकिन सुवर्णा कोई गुडविल लेके नहीं आ रही है. So this is the sum where goodwill is already appearing in the balance sheet. So यहाँ पे लिख रहा हूँ goodwill is already appearing in the balance sheet. बराबर है. And उन्होंने हमको क्या बोला है. goodwill को revalue करने बोला है. देखो यहाँ पे बोला है goodwill of the firm is valued at 75,000 जबकि balance sheet में goodwill कितना दिख रहा है हमें 66,000 और हमें इसे रिवैल करना है 75,000 में. सो डियर स्टूडेंट आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ऑन गुडविल. बाकी सब एसेट्स को कैसे हम रिवैल करते हैं उसी तरीके से हम गुडविल को भी रिवैल करेंगे. इज दैट क्लियर. सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन है. सो गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड दिट इज टू बी रिवैल्यूड लाइक अदर एसेट्स. सो दिस वन हैव टू रिमेंबर. इज दैट क्लियर. सो हियर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश और फिर वो रिटेन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है. कोई विड्रॉल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट कम सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स ये गुडविल पहले एसेट में जाएगा और उसके ऊपर टिक मार्क डाला है उसको रिवैल्यूएशन करना है
sundry debtors भी asset में जाएगा, less RDD है उसी तरीके से हम लिखेंगे, then land and building भी asset में जाएगा और bank के लिए हम उसका account open करते हैं, so I am writing account, so bank will be taken to its account, ठीक है? Adjustment read करते हैं, Suvarna to be Suvarna to bring for 20% share, तो Suvarna का new ratio new share कितने का है? 20% का है. लास्ट सम में हम देखते थे कि शेयर ऐसा देते थे 1/4, 1/5 ऐसा देते थे, लेकिन ये सब में 1/4, 1/5 नहीं दिया है, ये सब में उन्होंने परसेंटेज में दिया है, ठीक है. सो विल बी टेकिंग द शेयर इन परसेंटेज. तो Suvarna टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर 45,000. अब ये 45,000 Suvarna का कैपिटल है, तो Suvarna इज गोइंग टू ब्रिंग 45,000 एज अ कैपिटल. देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. हमने गुडविल को ऑलरेडी टिक किया है. RDD is no longer required. देखो जो RDD है ना उसका जरूरत नहीं है बोला है. RDD is no longer required. मतलब ये RDD को हमें निकाल देना है. So there is an adjustment on this RDD. मैं टिक कर रहा हूं. यानी 3,000 है लेकिन 3,000 का 3,000 पूरा 3,000 हमको निकाल देना है, ठीक है. Then rent receivable 4,500 to be adjusted in the books. अच्छा एक आइटम है रेंट रिसीवेबल जो बुक में हमें एडजस्ट करना है. एडजस्ट करना है मतलब बुक में लिखा नहीं है. बुक मतलब अपने बैलेंस शीट. देखो रेंट रिसीवेबल हमारे बैलेंस शीट में है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, मतलब हमारे बैलेंस शीट में नहीं है. सो दिस इज अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड है और ये अनरिकॉर्डेड को हमें क्या करना है? हमें इसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिकॉर्ड करना है. आई होप दिस. लेट अस रीड योर फेवरेट एडजस्टमेंट. Capital accounts of partner to be adjusted in new profit sharing ratio by opening current account. So in this sum, we have to open current account. So this is the third concept that we are going to learn. पहले सब में हमने bank account में adjust किया था, दूसरे सब में हमने loan account में adjust किया था, अब ये सब में हम current account में adjust करेंगे. Is that clear? चलो, they have asked you to draw profit and loss adjustment account, which is nothing but revaluation account. So revaluation account. Partners capital account and new balance sheet. So we have already drawn profit and loss adjustment account, partners capital account with Kabir, Reshma and Suvarna as partners, then balance sheet and then two extra account, one is goodwill account and one is bank account. लेकिन ये सब में ये goodwill account का कोई actually जरूरत नहीं है क्योंकि goodwill brought in cash नहीं है. Goodwill already balance sheet में appear हो रहा है. So dear student, in this sum there is no use of drawing this goodwill account. तो आपने अगर नहीं draw किया है तो it is okay. Only bank account is to be drawn as far as this sum is concerned. ठीक है? So let us see how to post the entries. सबसे पहला we have capital account, Kabir और Reshma. And you know capital account हम कहाँ पे लिखते हैं? Capital account of partners, capital account. Partners capital. Side 1,05,000 and 75,000. So partners capital account के credit side में by balance. Brought down 1,05,000 and 75,000. I hope this is clear. बराबर है? Partners capital account. Then after capital we have general reserve. General reserve 30,000 का and that we have to distribute among the partners in the ratio 4:1. Old ratio 4:1 का है. बराबर है? So in the ratio 4:1 we have to distribute. जनरल रिजर्व ऑफ 30,000. चलो पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर हम लिखते हैं इधर. सो बाय जनरल रिजर्व, लेकिन उसके अमाउंट के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. लास्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, वर्किंग नोट बना रहा हूं. सो डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वर्किंग नोट 1 ऑफ जनरल रिजर्व इन द रेशियो 4:1. The two partners are Kabir and Kabir aur kon hai? Reshma. ठीक है. 30,000 का general reserve है. So 30,000 का general reserve will be distributing in the ratio 4:5. So 4:1 का मतलब होता है 4/5 × 1/5 यहां पे आएगा. ठीक है, चलो divide by 5 करते हैं. So 5, 6 are 30 और ये 3 zeros, यहां पे भी 5, 6 are 30 और ये 3 zeros. तो 6, 4 are 24. So this will be 24,000
एंड 6 ones are 6, सो दिस विल बी 6,000 और टोटल बराबर 30,000 आ रहा है. सो 30,000 वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1 एज 24,000 एंड 6,000. ठीक है, तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं 24,000 कबीर के लिए एंड 6,000 रेशमा को डिस्ट्रीब्यूट करके मिला. ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 का है, उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में आया है. सो क्रेडिट में लिखता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसे भी. तो चलो वापस एक बार वर्किंग नोट करते हैं. अब यहां पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन इन द रेशियो 4:1. ठीक है, अगेन टू द ओल्ड पार्टनर्स दैट इज कबीर एंड रेशमा. ठीक है, 6,000 का प्रॉफिट था, 6,000 इनटू 4/5 एंड दिस विल बी 6,000 इनटू 1/5. 5 से डिवाइड करता हूं, 5 ones are, सो यहां पे भी आएगा 5 ones are 5, ये 10, 5 twos are 10 और ये 2 zeros. ठीक है, once again this will be 1200, so 1200 into 4 will be 4800 and 1200 into 1 will be 1200 or total 6000 aa raha hai. So the distribution is 4800 and 1200. theek hai, so 4800 and 1200 is the result of this distribution. To yahan pe likh raha hu kabir ko 4800 aur reshma ke liye 1200 aur suvarna ko kuch nahi milega. So this is what the distribution of general reserve and profit and loss account is. ठीक है, तो distributions हो गए. Distribution होने के बाद next है creditors for goods 48,000 and creditor for expenses 12,000, दोनों liability side में जाएगा. So creditors for goods and creditor for expenses दोनों liability side में लेके जा रहे हैं. Creditors for goods 48,000 आउटर कॉलम में, कोई क्योंकि कोई टिक मार्क नहीं है उनके ऊपर. एंड देन क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 12,000 अगेन इन द आउटर कॉलम, दे डोंट हैव एनी टिक मार्क ऑन इट. ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग. एंड आफ्टर डूइंग द पोस्टिंग फ्रॉम लायबिलिटी साइड वी विल बी पोस्ट द एसेट साइड का एंट्रीज. ठीक है, सो लेट अस पोस्ट एसेट साइड वाले एंट्रीज. एसेट साइड में सबसे पहले गुडविल है, गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. और अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपियर हो रहा है तो डीएसओ विल बी टेकिंग इट टू लायबिलिटी, सॉरी गुडविल एसेट में होता है, सो विल बी टेकिंग इट टू एसेट साइड. सो गुडविल अकाउंट 66,000 का एसेट में जाएगा, बट गुडविल हैज गॉट अ टिक मार्क, सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन द इनर कॉलम. सो गुडविल 66,000 ऑन द एसेट साइड और टिक मार्क होने के कारण एक लाइन छोड़ के मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. Is that clear? Then goodwill के बाद next item है sundry debtors 30,000 का और RDD के ऊपर tick mark है, 3,000 का RDD जो हमें रखना नहीं है, लेकिन फिलहाल जो balance sheet में RDD है वो हम रखेंगे और आगे जब adjustment करेंगे तो उसको निकाल देंगे हम. So फिलहाल हम good debtors को कैसे लिखेंगे? So you know how to write the sundry debtors का part. So sundry debtors we write it in the inner column as 30,000 less RDD and bracket में लिखते हैं, याद है ना RDD 3,000. तो जो भी RDD वो लोग क्वेश्चन में देते हो ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट को हम ओपन रखते हैं और यहां पे हम लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं. सो RDD के साथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे, वो हम ड्यूरिंग द एडजस्टमेंट उसका इफेक्ट दिखाएंगे. क्लियर विद दिस? दिस इज हाउ वी पोस्ट डेटर्स का एंट्री व्हेनेवर वी हैव RDD on debtors. ठीक है, and then we have land and building of 1 lakh, उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है, so land and building 1 lakh का मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आउटर कॉलम में एसेट साइड में. सो लैंड एंड बिल्डिंग 1 lakh इन द आउटर कॉलम. ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारे पास है बैंक अकाउंट. नाउ ड्यू शो एज फार एज द बैंक अकाउंट इज कंसर्न, बैंक में 83,000 रुपीज है हमारे पास. सो बैंक अकाउंट हमारा जाएगा उसके खुद के अकाउंट में. बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है और डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो एसेट आइटम है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
हमारे पास बैंक में 83,000 रुपीज है. दिस इज व्हाट द पोस्टिंग इज. ये हो गया हमारा पोस्टिंग, ठीक है. और पोस्टिंग के बाद हम एक काम करेंगे, हम अभी एडजस्टमेंट्स में जाएंगे. और एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट देने हैं डियर स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट्स के लिए हमें डबल इफेक्ट. सो लेट अस गिव द डबल इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट्स. Suvarna to bring 20 rupees, Suvarna to bring for 20% share in the profit 45,000. ये क्या है? Suvarna क्या लेके आ रही है? So Suvarna is bringing her, patient Suvarna is bringing her capital, ठीक है? So capital brought in by new partner का entry हम करते हैं. And you know what is the entry to be done for capital brought in by new partner? पहला entry आएगा bank account में. So पहले bank account में हम लिखेंगे two Suvarnas. कैपिटल कितना पढ़ा था हमने? कैपिटल 45,000. सुवर्ण कैपिटल 45,000 सुवर्ण कैपिटल लेके आ रही है. सो 45,000 दिस इज फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? सुवर्ण के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक और सुवर्ण के अकाउंट में 45,000 वी आर गोइंग टू राइट. I hope this is clear. Understood all of you? Then comes Suvarna ka capital ke baad. Next is goodwill. Ab goodwill of the firm is valued at 75,000. To jaise hum revaluation karte hai, waise hum karenge. Goodwill of the firm is valued at 75,000. To hum kya karenge dear student? Goodwill ka 75,000 ka valuation karenge. Goodwill ko hum bada rahe hai. Theek hai? To goodwill hum badhayenge, plus karenge yahan pe. इंक्रीज करेंगे हम गुडविल को या रीवैल्यू करेंगे या एप्रिशिएट करेंगे. और कितना बनाना है हमें गुडविल को बोला है उन्होंने? 75,000 बनाओ बोला है गुडविल को. सो डियर स्टूडेंट 66,000 का गुडविल ऑलरेडी था. न्यू पार्टनर कोई भी गुडविल लेके नहीं आई कैश में, तो 66,000 का गुडविल को उन्होंने 75,000 का बनाने बोला है. तो 66,000 और 75,000 का गुडविल में डिफरेंस कितने का है? सो डिफरेंस इज ऑफ 9,000. मतलब 9,000 का गुडविल हमें क्या करना है? ऐड करना है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो गुडविल ऑफ 9,000 इज टू बी एडेड. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और 75,000 बनाने बोला है गुडविल को. तो जैसे बाकी एसेट रिवैल्यू करते हैं, वैसे ये सब में गुडविल भी रिवैल्यू करना है. गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में था, उसे बाकी एसेट्स की तरह रिवैल्यू करके 75,000 बना दिया हमने. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड इफेक्ट पास करते समय आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये गुडविल है. तो सेकंड इफेक्ट आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट? नॉर्मली आप कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो? एसेट बढ़ने के कारण आपका फायदा हुआ है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हो, याद है ना? बाय, कोई भी एसेट अगर फायदा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हो. लेकिन ये सब में इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड, यू विल बी राइटिंग इट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, क्योंकि ये गुडविल है. इसीलिए हम इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे. हम इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे. इतना आपको याद रखना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस गुडविल. इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, गुडविल कभी भी इंक्रीज हुआ तो आपको फायदा हुआ. सेकंड इफेक्ट आप किधर लेके जाओगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुडविल पार्टनर्स को बिलोंग करता है. और अगर गुडविल का वैल्यू कम हुआ तो आप पार्टनर्स कैपिटल में ही लेके जाते थे, नुकसान होता था, इसलिए डेबिट में लिखते थे. इज दैट क्लियर? लेकिन अब ये 9,000 को हमको देना किधर है? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स का नाम है, तो 9,000 आपको पता है ना ओल्ड पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग द ओल्ड पार्टनर, दैट इज कबीर एंड रेशमा. सो चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं. 9,000 का गुडविल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे यहाँ पे. सो डिस्ट्रीब्यूशन of increase in value of goodwill, और उसको भी हम 4:1 के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो टू कबीर एंड रेशमा. इज दैट क्लियर? सो 9,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल.
and that is to be distributed in Kabir and Reshma in the ratio 4:1, so 4/5 and 1/5 aayega. Let us do this. 5 se divide karte hain pehla. 5 1 za 5 4 aata hai, to 5 8 za 40 aur ye do zeros again ho here 1800. So yahan pe aayega 1800 into 1, that will be 1800, aur yahan pe aayega 1800 into 4 and that's going to be 7200 aur total aayega 9000 ka barabar. ठीक है, सो 9000 का गुडविल हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. 7200 टू कबीर एंड 1800 टू रेशमा. सो 7200 टू कबीर एंड 1800 टू रेशमा. दिस इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट वी आर गोइंग टू पास. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेकंड इफेक्ट टू revaluation account, we will be taking the second effect to partner's capital account because this is adjustment on goodwill. Okay, next is RDD is no longer required. Bola hai ye RDD ka zarurat nahi hai, to let us see RDD kitna create kiya tha pehle se. RDD humne 3000 create kiya tha, ab iska zarurat nahi hai. Ratio mathematically agar iska zarurat nahi hai to humko kya karna padega, add karna padega ki less karna padega, to hume लेस करना पड़ेगा. ऐसे लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे, पूरा 3000 लेस करेंगे क्योंकि बोला है जरूरत ही नहीं है. सो फुल 3000 हम निकाल देंगे और अगर 3000 में से पूरा 3000 निकाला तो आरडीडी कितना आएगा, आरडीडी विल बी नील. बराबर है, डैश डालता हूं. और अगर आरडीडी नील है तो डेटर्स का आउटर कॉलम में भी अमाउंट कितना आएगा, 30000. आई होप दिस इज क्लियर. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाउ टू डू दिस. सो आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बोला, तो जो आरडीडी पहले से था उसको हमने निकाल दिया. बराबर. अब डियर स्टूडेंट मुझे बताओ यहां पे हुआ क्या, हमेशा हम आरडीडी को क्या करते थे, याद है, हमेशा हम आरडीडी को इंक्रीज करते थे. इंक्रीज ऑल द सम्स दैट वी हैव डन, हमने आज तक जो भी सम किया हमने आरडीडी को हमेशा बढ़ाया है हम. बराबर है, तो आरडीडी जब भी बढ़ा हमारे लिए क्या होता था, लॉस होता था. लेकिन ये सम में आरडीडी इंक्रीज नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट, ये सम में आरडीडी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है. बराबर है, और आरडीडी डिक्रीज हुआ तो ये सब में हमको लॉस नहीं हुआ, ये सब में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. और अगर ये गेन हुआ है तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा बोलो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, व्हाटएवर यू से, वी विल बी टेकिंग इट टू द क्रेडिट साइड बाय आरडीडी एंड 3000. तो ये फर्स्ट टाइम आरडीडी क्रेडिट साइड में आ रहा है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सम में हमने आरडीडी को रिड्यूस कर दिया रादर देन इंक्रीजिंग द आरडीडी का वैल्यू. क्लियर विद दिस? ओके, एंड देन लास्टली व्हाट वी हैव, रेंट रिसीवेबल रुपीज 4500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स. अब ये शो ये अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में ऑलरेडी रेंट रिसीवेबल है ही नहीं, हमें इसको लेके आना है इन द बैलेंस शीट. सो दिस इज अनरिकॉर्डेड और हमें अभी उसको रिकॉर्ड करना है. तो दिस इज रेंट रिसीवेबल. तो सबसे पहला तो बोलो, अगर मैं बैलेंस शीट में जाके रेंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा तो रेंट रिसीवेबल में बैलेंस शीट में कहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, रेंट रिसीवेबल 4500 का, आई विल बी राइटिंग रेंट रिसीवेबल ऑन एसेट साइड. बराबर, दिस इज एन एसेट फॉर मी, रेंट रिसीवेबल. सो दिस इज अनरिकॉर्डेड एसेट और जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कितने का, 4500, राइट इट इन द आउटर कॉलम. अब मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, अगर ये एसेट को रिकॉर्ड किया तो ये हमारा फायदा हुआ, क्योंकि कोई भी एसेट साइड में रिकॉर्ड किया तो वो हमको फायदा होता है. सो लेट अस टेक दिस एसेट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट रिसीवेबल बिकॉज दिस इज अ गेन फॉर अस. कितना फायदा हुआ डियर स्टूडेंट, 4500 पूरा हमारा गेन हुआ क्योंकि पूरा 4500 हमने अभी रिकॉर्ड किया है. क्लियर विद दिस? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विद दिस. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर रिवैल्यूएशन. नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. ठीक है, और आपको पता है कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहला हमें क्या करना होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहला हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी हम बोलेंगे उसको क्लोज करना है. तो चलो यहाँ पे क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिट साइड में आइटम है, क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 7500. सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड, 7500. डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, सो डेबिट में कोई भी अमाउंट ना होने के कारण बैलेंसिंग फिगर भी उतना ही आएगा, 7500.
and this is nothing but revaluation profit. Debit में आया है तो ये revaluation profit है and this is to be distributed among two partners. दो partner को बांटना है तो here I am writing two old partners को देना है. ठीक है, कौन कौन है old partners? Old partner है कबीर and रेशमा. And for that, we will be once again doing an adjustment of distribution. Chalo, distribution of revaluation profit 7500 ka. Ek bar wapas distribution karta hai. Dekho kitna distribution humne kiya. Teen already ho gaya. Ab chautha distribution. Distribution of revaluation profit 4:1. सारे डिस्ट्रीब्यूशन हमें ओल्ड रेशियो में ही करने हैं. कबीर एंड रेशमा एंड द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दैट वी हैव अराइव्ड इज 7500. सो 7500 इनटू ये आएगा 4/5 और ये आएगा 1/5 दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड हाउ टू डू द डिस्ट्रीब्यूशन. सो 5 1s are एंड ये 5 1s are 5 आएगा. ठीक है, 5 5s are सो ये 15 आ रहा है. यहां पे भी 15 और ये दो जीरोस. सो 4s विल बी 6000 एंड 1500 इनटू 1s विल बी 1500 और टोटल आ रहा है 7500. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7500. सो 6000 टू कबीर एंड 1500 टू रेशमा. तो चलो जा रहे हैं हम बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट में बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 6000 हम लिख रहे हैं कबीर के नाम पे और 1500 रेशमा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हम इसे कहां पे लेके आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो नाम भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही लिख रहा हूं क्योंकि उसका नाम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा है. अगर मैं रिवैल्यूएशन लिखता था तो बाय रिवैल्यूएशन इधर लेके आता था मैं. इज दैट क्लियर? सो कबीर के लिए 6000 एंड रेशमा के लिए 1500 एंड सुवर्णा के लिए डैश. आई होप थिंग्स आर क्लियर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज वी विल बी क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और आपको याद है ये सब में पार्टनर्स का एडजस्टमेंट है इसलिए कैपिटल अकाउंट में खाली किसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है? ओनली फॉर सुवर्णा. कबीर और रेशमा का क्लोज अभी नहीं करेंगे क्योंकि उनका कैपिटल पर एडजस्टमेंट करना है. देयर इज अ कैपिटल एडजस्टमेंट. इज दैट क्लियर? सो व्हेनेवर देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट कबीर और रेशमा का हम स्ट्रेट अवे क्लोज नहीं करेंगे, हम वो एडजस्ट करने के बाद क्लोज करेंगे. तो खाली न्यू पार्टनर का क्लोज करते हैं. सुवर्णा का टोटल 45,000 का है, यही टोटल मैं डेबिट में लिख रहा हूं 45,000 एंड ये शो डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है. तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर भी सुवर्णा का 45,000 का ही आ रहा है. इज दैट क्लियर? आई एम राइटिंग दिस एज टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड ये शो ये दोनों का टोटल मैं अभी नहीं करूंगा, ये मैं बाद में करूंगा जब मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा. सो चलो नाउ लेट अस वंस अगेन डू द कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टफ. ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. सो एडजस्टमेंट नंबर 5 कैपिटल एडजस्टमेंट करना है. और आपको पता है स्टेप्स क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट में? सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो. सब में न्यू रेशियो दिया नहीं है सो वी विल बी कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो. बराबर है? और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू पार्टनर का शेयर लिखना पड़ता है. तो सुवर्णा शेयर पहले लिख रहा हूं. सो सुवर्णा का शेयर ये परसेंटेज में दिया है 20%. बराबर है ना? 20% दिया हुआ है. अब देशर आपको पता है परसेंटेज में उन्होंने दिया है लेकिन यू नो 20% इज नथिंग बट 20/100. बराबर है? परसेंटेज इज अपॉन 100. तो यहाँ पे जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, तो मतलब ये कितना आ रहा है 2 1s are and 2 5s are. सो 20% इज नथिंग बट 1/5. ये मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने अपने को 1/5 शेयर दिया है. एग्जैक्टली. तो सुवर्णा का शेयर 20% बोला था उसका मतलब वो 1/5 है. क्लियर विद दिस? तो सुवर्णा का शेयर इज 1/5. और अगर सुवर्णा का शेयर 1/5 है तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर. एंड रिमेनिंग शेयर कितना होगा डियर स्टूडेंट? अगर सुवर्णा को 5 में से 1 जा रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना? 5 में से कितना बचा? 4. सो रिमेनिंग शेयर विल बी 4/5.
और आपको पता है ना रिमेनिंग शेयर को हमें किसको बांटना है, ये जो बचा हुआ शेयर है वो हमको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है। सुवर्णा का तो शेयर हमें पता चल गया फन बाय फाइव, बचा हुआ शेयर को हमें कबीर को देना है और रेशमा को देना है। अब कबीर को कितना देंगे रिमेनिंग शेयर का, तो रिमेनिंग शेयर है 4/5, सो 4/5 यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ये रिमेनिंग शेयर है, और 4/5 यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, तो रिमेनिंग जो बचा है वो 4/5 है, और उसको हमें कबीर और रेशमा में बांटना है इंदर ओल्ड रेशो, और उनका ओल्ड रेशो क्या है 4:1 का है। दैट क्लियर, याद है ना फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, क्या फॉर्मूला बताया था, रिमेनिंग शेयर इंटू क्या करते हैं ओल्ड रेशियो, दिस इज हाउ वी डू। तो रिमेनिंग शेयर 4/5 है इनटू ओल्ड रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो यहां पे लिखा है, सो ओल्ड रेशियो कितना है 4/5 का, ओल्ड रेशियो भी 4/5 का है। सो डेशन डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज, दो बार 4/5 क्यों लिखा है वो मत कंफ्यूज करो, ये 4/5 किसका है रिमेनिंग शेयर है, बराबर है, और ये 4/5 किसका है ओल्ड रेशियो का है। अब दोनों 4/5 लकीली आया है, इज दैट क्लियर, सो 4/5 रिमेनिंग शेयर इंटू 4/5 ओल्ड शेयर, और यहाँ पे 4/5 रिमेनिंग शेयर इंटू 1/5 ओल्ड शेयर, इसका 1/5 का है, क्लियर। तो यहाँ पे भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, सो मल्टीप्लीकेशन कर 4/4 = 16 एंड 5/5 = 25 एंड हियर ऑल्सो 4/1 = 4 एंड 5/5 = 25, ठीक है, मिला तीनों का न्यू शेयर। सो कबीर का पहले लिखते हैं, कबीर का न्यू शेयर कितना है, कबीर का न्यू शेयर 16/25 है, बराबर है। देन लेट मी राइट डाउन इट फॉर रेशमा, रेशमा का न्यू शेयर कितना है, रेशमा का न्यू शेयर है 4/25 एंड द लास्ट पार्टनर सुवर्णा, सुवर्णा का न्यू शेयर कितना था डियर स्टूडेंट, सुवर्णा का न्यू शेयर है 1/5, अच्छा वो 1/5 है, तो आपको पता है ना इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू 5 यहां पे करना पड़ेगा और इनटू 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सुवर्णा का शेयर को, तो सुवर्णा का शेयर कितना आ रहा है 5/1 = 4 एंड 5/5 = 25, अब हो गया सुवर्णा का शेयर भी इनके मुकाबले में इक्वल, इज दैट क्लियर, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज बीन इक्वेटेड। सो नाउ वी गेट आवर न्यू रेशियो एंड द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स इज 16:4:5, is that clear? This is our new ratio, 16:4:5, ये हो गया हमारा new ratio, this is first step, और new ratio होने के बाद हमको capital adjustment करना होता है, so let us do the second step, capital adjustment, आज ही मैंने सिखाया था कैसे capital adjustment करते हैं, वापस एक बार कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, वी विल बी राइटिंग ऑल द नेम, थ्री पार्टनर्स नेम, फर्स्ट इज कबीर, द नेक्स्ट नेम इज रेशमा एंड द नेक्स्ट नेम इज सुवर्णा, बराबर है, उसके नीचे हम उनका शेयर कैलकुलेट किया हुआ लिखेंगे, तो कबीर 16 का है, अब हमें पता चला क्योंकि हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया है, रेशमा का शेयर 4 का है और सुवर्णा का शेयर 5 का है, क्लियर। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए किसका कैपिटल बेस लेना पड़ता है, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस लेना पड़ता है, यह हमने देखा, तो सुवर्णा का कैपिटल हम बेस लेंगे, और सुवर्णा का कैपिटल कितना था जो हमने कैलकुलेट किया है, जरा देखते हैं, हाउ मच इज द सुवर्णास कैपिटल दैट वी हैव कैलकुलेटेड, कितना है 45,000, बराबर है ना, सुवर्णा का कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, देखो 45,000, तो सुवर्णा का कैपिटल हम लेंगे बेस 45,000 का, तो इस सुवर्णा के नीचे लिख रहा हूं यहां पे 45,000 का कैपिटल है, सो हमें किसका कैलकुलेट करना है, रेशमा का, और किसका कैलकुलेट करना है, कबीर का, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है ना, ये सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद है सबको, बराबर है, सो हाउ टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताओ जरा, यहां पे क्या आएगा 45,000 इंटू क्या होगा 45,000 इंटू रेशमा के लिए इंटू 4 और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय सुवर्णा का शेयर होता है, डिवाइड बाय 5, ये रेशमा के लिए आएगा, मैं कबीर के लिए भी लिख के रख रहा हूं डियर स्टूडेंट, कबीर के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 45,000 इंटू कबीर का शेयर कितना है 16,
अपॉन फाइव, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर फाइव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई फोर से होगा क्योंकि रेशमा का शेयर फोर का है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 से होगा क्योंकि कबीर का शेयर 15 का है, सॉरी 16 का है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई समझा कैसे लिखना है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। सो 5 1s and 5 9s are 45, तो ये 9 आएगा और 3 जीरोस, और यहाँ पे भी वही 5 1s and 5 9s are 45, 3 जीरोस। सो 9 4s का कितना आता है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 9 4 9 4s will be 36, सो रेशमा का कैपिटल विल बी 36,000, 9,000 × 16 आएगा, सो 9,000 × 16 करते हैं, 9,000 × 16 विल बी इक्वल्स टू 1,44,000, सो कबीर का कैपिटल विल बी 1,44,000, दिस इज देयर एडजस्टेड कैपिटल। सो कबीर का एडजस्टेड कैपिटल 1,44,000 का है और रेशमा का एडजस्टेड कैपिटल 36,000 का है। लेट मी टेक दिस एडजस्टेड कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बैलेंस कैरिड डाउन में एडजस्टेड कैपिटल लिख रहे हैं यहाँ पे, और एडजस्टेड कैपिटल को सर्कल नहीं करना याद रखो, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट किया है। सो लेट अस राइट डाउन एडजस्टेड कैपिटल 1,44,000 वी हैव कैलकुलेटेड इट फॉर कबीर एंड 36,000 वी हैव कैलकुलेटेड इट फॉर रेशमा। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करके, फिर हम फाइनली क्या करेंगे, कबीर और रेशमा का अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं कौन सा साइड बड़ा है डियर स्टूडेंट। तो मुझे ना कबीर का डेबिट साइड बड़ा लग रहा है, लग रहा है, लेट अस चेक। पहले एक काम करते हैं कबीर के लिए, तो आई एम राइटिंग हो कबीर, मैं कबीर का पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा साइड बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूं पहले, रादर देन राइटिंग द टोटल आई एम कैलकुलेटिंग। डेबिट का टोटल है 1,44,000, बराबर है, और क्रेडिट का टोटल जरा कैलकुलेट करते हैं कबीर का, तो क्रेडिट साइड में 1,05,000 है प्लस 24,000 है प्लस 4,800 है प्लस 7,200 है प्लस 6,000 है। सो हाउ मच इज द टोटल फॉर क्रेडिट साइड, 1,47,000। चलो क्रेडिट साइड ही बड़ा है, इज दैट क्लियर। सो डियर से क्रेडिट बड़ा है, तो मैं क्रेडिट में पहले लिख रहा हूं 1,47,000 ऑन द क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे भी 1,47,000 एंड डियर स्टूडेंट 1,47,000 लिखने के बाद बैलेंस कितना आएगा, तो दोनों में डिफरेंस है 3,000 का, बराबर है। सो डियर से द बैलेंसिंग फिगर विल बी 3,000, कबीर के लिए बैलेंसिंग फिगर इज 3,000 आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट, 3,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कबीर के लिए। सेम वे रेशमा, रेशमा का कौन सा टोटल, रेशमा का तो क्रेडिट का ही टोटल बड़ा है, एग्जैक्टली दिख रहा है हमें। सो रेशमा का क्रेडिट साइड का टोटल हम करते हैं कितना आ रहा है चेक करेंगे। चलो सो क्रेडिट का टोटल है रेशमा का 75,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 1,800 प्लस 1,500। सो रेशमा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 85,500 का, द सेम टोटल आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड 85,500, उसमें से 36,000 माइनस करता हूं। सो 36,000 माइनस करने के बाद द डिफरेंस इन द कैपिटल ऑफ रेशमा इज 49,500 का, इज दैट क्लियर। ये आया बैलेंसिंग फिगर आफ्टर डूइंग द कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये था कैपिटल एडजस्टमेंट, और कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद हमें बैलेंस आ रहा है। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो ये सब में कहां पे लेके जाना है, पहले सब में हम कहां पे जाना है, पहले सब में हम कैश बैंक में लेके गए थे, सब में हमने किया उसमें हम लोन में लेके गए थे, सब में कहां पे लेके जाना है, करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में टू लिखूंगा मैं यहां पे, टू करंट अकाउंट। सो आई एम गोइंग टू टेक इट टू करंट अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर, बराबर है। और डियर स्टूडेंट आपको पता है करंट अकाउंट भी कहां पे आता है, करंट अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये डेबिट में आया तो इधर ही हम उसको नीचे लेके आएंगे बैलेंस शीट में। सो वी विल बी पोस्टिंग इट टू बैलेंस शीट, दैट क्लियर। करंट अकाउंट है बैलेंस शीट में जाएगा, तो याद रखना लोन और करंट दोनों भी बैलेंस शीट में जाता है, खाली कैश कैश के अकाउंट में जाता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे करंट अकाउंट है बैलेंस शीट में जाएगा। सो जैसे लास्ट समय हमने लोन लिखा था ना, वैसे हम लिखेंगे। सो करंट अकाउंट,
दो पार्टनर का करंट अकाउंट क्रिएट हुआ है, ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ बैलेंस शीट में। कबीर का करंट अकाउंट आया है 3000 का क्रिएट हुआ है, एंड रेशमा का करंट अकाउंट 49,500 का क्रिएट हुआ है। चलो दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, सो टोटल विल बी 52,500। सो टोटल करंट अकाउंट दैट इज क्रिएटेड इज 52,500। आई होप थिंग्स आर क्लियर, बराबर है। और फिर लास्ट में ये कैपिटल को मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, कैपिटल भी उधर ही ब्रॉट डाउन होगा। सो चलो कैपिटल अकाउंट, ये है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब तीनों का कैपिटल आएगा यहां पे कबीर, सो फॉर कबीर द कैपिटल इज 1,44,000। देन रेशमा द कैपिटल इज 36,000। देन वी हैव कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर सुवर्णा, दैट इज 45,000। एंड तीनों का कैपिटल का टोटल आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 1,44,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000, तीनों का कैपिटल का टोटल आ रहा है 2,25,000 का, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले अदर अकाउंट क्लोज करते हैं, ये सब में गुडविल अकाउंट कुछ भी नहीं है, तो बैंक अकाउंट क्लोज करता हूं। बैंक का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट में ही पैसा है 83,000 प्लस 45,000, सो बैंक अकाउंट में आ रहा है 1,28,000। ये सेम 1,28,000 में क्रेडिट में लिख रहा हूं 1,28,000, सो बैलेंसिंग फिगर भी आएगा 1,28,000 का, दैट इज द बैंक बैलेंस दैट यू हैव आफ्टर एडमिशन। सो बाय बैलेंस, सो बैंक बैलेंस इज 1,28,000। सो लेट अस गो फॉर टैलिंग द क्वेश्चन। तो चलो टैली करते हैं, पहला लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। सो लायबिलिटी साइड 2,25,000 प्लस 52,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, सो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,37,500। एंड लेट अस टोटल दिस फॉर एसेट एज वेल, 75,000 प्लस 30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 4,500 प्लस 1,28,000, सो द टोटल इज 37,500 ऑन एसेट साइड एज वेल, एंड द बैलेंस शीट इज टैलिंग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विद दिस सम।